साहिल के मकान मालिक ने बताया एक दूसरा सच। आरोपी साहिल के मकान मालिक ने उसके बारे में जो बताया है, इस पर इस वारदात के बाद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाबाद डेयरी इलाके में रविवार रात एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर एक नाबालिग लड़की की चाकू के 40 से अधिक वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी बीच सड़क पर किशोरी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करता रहा। इस दौरान वहां मौजूद कई लोग मूकदर्शक बने वारदात को देखते रहे। किसी ने भी साहस दिखाकर किशोरी को बचाने का प्रयास नहीं किया। युवक पर इस कदर खून सवार था कि चाकू मारने के बाद भी उसकी दिल नहीं भरा। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर किशोरी पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। बाद में वह लड़की को लात मारकर वहां से फरार हो गया। सोमवार दोपहर बाद आरोपी को पुलिस टीम ने बुलंदशहर यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम उसे लेकर दिल्ली आ रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।